यूपी में कांग्रेस से बीजेपी और एसपी बीएसपी गठबंधन को कितना नुकसान होगा? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फैक्टर से परेशान है विरोधी? लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही ये भी साफ होता दिखाई दे रहा है कि यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसे में सबकी नजरें कांग्रेस फैक्टर पर टिक गई हैं। अब तक माना जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होने पर बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन प्रियंका गांधी के मैदान में आने से समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस फैक्टर यूपी में दो धारी तलवार हो सकती है। कांग्रेस कुछ सीटों पर न सिर्फ बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि कई सीटों पर एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। सूबे में कमजोर संगठन लगभग कार्यकर्ता विहीन हो चुकी और बड़ों की खेमबंदी में उलझी पार्टी में जान फूंकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश की कमान सौंपी है। यूपी को दो भागों में बांटकर पूर्वी यूपी की कमान प्रियंका और पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सिंधिया को दे दी गयी। रोड शो और उसके बाद तीन दिन लगातार मैराथन बैठक कर प्रियंका लोकसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ताओं से मिलकर उनमें जोश भर चुकी है। पार्टी में उनके सक्रिय राजनीति में आने के बाद से ही भारी उत्साह है। इतना ही नहीं, एसपी बीएसपी गठबंधन में जगह मिलने के बाद कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने और फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, इसके बाद कांग्रेस सूबे के छोटे दलों को अपने पाले में लाने में जुटी है। यूपी के महान दल को साथ लाने के बाद कांग्रेस की नज़र अब वेस्ट यूपी के दलित नेता और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पर है। अगर कांग्रेस चंद्रशेखर को अपने पाले में लाने में कामयाब होती है तो इससे पार्टी को दलितों का वोट मिल सकता है और इसका नुकसान कहीं ना कहीं एसपी बीएसपी गठबंधन को ही होगा। अगर 2014 के लोकसभा चुनावी नतीजों को देखा जाए तो इस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने सूबे की 80 में से 73 सीटें जीती थी। अलग अलग सीटों के आंकलन से जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक उस चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस से बीजेपी की तरफ बड़ी संख्या में वोटों का ट्रांसफर हुआ। ऐसे में अगर कांग्रेस उन वोटों को वापस खींचती है तो फिर कई सीटों पर बीजेपी की राहें भी मुश्किल हो सकती हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस फैक्टर से बीजेपी और एसपी बीएसपी गठबंधन में से किसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इंडिया न्यूज़ बैरल की रिपोर्ट।